हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों समी में कई देवी देवताओं का निवास होता है, लेकिन इसे भगवान शिव और गणेश का प्रिय माना जाता है। इसलिए भगवान शिव और गणेश जी की पूजा अर्चना में समी की पत्तियों को चढ़ाने का विशेष महत्व है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। समी का वृक्ष घर की ईशान कोण में लगाना यानी पूर्व उत्तर में लगाना लाभकारी माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में समी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। लंका पर विजयी होने के पश्चात श्री राम ने समी पूजन किया था। गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही समी बहुत प्रिय है। समी के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव और भगवान गणेश दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस पौधे में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं, जो गणेश जी के पिता और शनिदेव के गुरु हैं। समी की पत्तियों के उपाय करने से घर परिवार में अशांति को दूर भगाया जा सकता है। समी वृक्ष की जड़ को विधिविधान पूर्वक घर लेकर आएं, उसे घर में रोपित कर नित्य पूजन करें। ऐसा करने से गणेश जी घर के अंदर आएंगे, रिद्धि और समृद्धि लेकर आते हैं, जिससे दुर्भाग्य घर से बाहर जाता है। इसलिए यदि दुर्भाग्य को भगाना है तो समी का पेड़ जरूर लगाएं। भगवान गणेश को प्रसन्न करने से बच्चों में बुद्धि तेज होती है। इसके लिए रोजाना गणेश भगवान को समी पत्र जरूर अर्पित करें।